अंशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की अब तक की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। साल के आखिर से शुरू होंगी सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मंत्रालय ने कहा सामान्य होंगी उड़ान सेवाएं। रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों को मिलेगा खाना। राजधानी शताब्दी सहित कई ट्रेनों में हुई सर्विस शुरू। स्कूल टीचर की हत्या के विरोध में बीजेपी का पूरी में प्रदर्शन। सीएम नवीन पटनायक के काफिले पर फेंके गए अंडे। भारत बांग्लादेश की दोस्ती दूसरे देशों के लिए एक मिसाल, बोले उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल में ग्रुप डी कर्मियों की भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई रोक। मोदी सरकार अब मार्च तक गरीबों को मुफ्त में देगी राशन, कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीजी में 20 दिसंबर को वोटिंग, निकाय चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। 11 आरआई व 72 पटवारियों का ट्रांसफर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, 29 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर। कवर्धा मामले की न्यायिक जांच करने बीजेपी ने किया मार्च शुरू, पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ सारे बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। रायपुर में कलेक्टर जरदर्शन की हुई शुरुआत, समस्या लेकर दरबार पहुंचे फरियादी। राहुल गांधी की केंद्र सरकार से मांग, कहा कोविड-19 से जान गंवाने वाले के परिवार को मिले 4 लाख रुपए मुआवजा। अब पाकिस्तान तालिबान से दोस्ती गांठ रही इमरान सरकार, टीटीपी के 100 आतंकी किए रिहा। व्हाट्सएप में अब 7 दिन बाद भी डिलीट कर पाएंगे सेंड मैसेज। 20 दिसंबर से शुरू होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति का कानपुर दौरा, 5 हेलीपैड बनाने के लिए काटे गए सैकड़ों पेड़। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है कर्ज। रायपुर में सेबी के खिलाफ सहारा के कर्मचारियों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री ने वृद्धा आश्रम में लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद, सियान वाटिका में फिजियोथेरेपी केंद्र का किया शुभारंभ। देश भर में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी बीजेपी, जेपी नड्डा मणिपुर से करेंगे शुरुआत। बंगाल पुलिस ने त्रिपुरा सीएम के ओएसडी पर दर्ज करवाई एफआईआर, 25 नवंबर को किया तलब। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम को चढ़ी जमींदार बनने की सनक, डॉन के शूटर ने ही खोल डाली पोल। भारत के लिए अच्छी खबर, लगातार नीचे गिर रही प्रजनन दर, देश की आबादी हुई स्थिर, एनएफएसएच का दावा। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैज्ञानिक मॉडल बनाने की जरूरत। कल हैदराबाद जाएंगे राकेश टिकैत, किसानों और मजदूरों से करेंगे संवाद। सपना चौधरी की गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की मांग वाली अर्जी हुई खारिज। श्रीनगर के रामबाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 दहशतगर्द। अखिलेश बोले 2022 में सरकार बनाने पर 25 लाख रुपए की किसान शहादत सम्मान राशि देंगे। स्मृति ईरानी को पहचान नहीं पाया कपिल शर्मा शो का गार्ड, गुस्से में बिना शूटिंग लौटी केंद्रीय मंत्री। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोले चंडीगढ़ में हूँ, जांच में करूंगा सहयोग। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा ग्रीन पार्क, 1983 से कोई मैच नहीं हारा भारत। गहलोत के मंत्री का अजीबोगरीब बयान, बोले कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़क बननी चाहिए। मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर ली टीएमसी। दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, तनाव में थे महंत गिरी। सीबीआई ने कहा मानहानि से बचने और एडिटेड वीडियो की धमकी के कारण समाप्त कर ली जीवन लीला। रातों रात कबाड़ का काम करने वाले यूसुफ बने करोड़पति, अब है 1,743 करोड़ के मालिक। कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। संसद सत्र से पहले सोनिया गांधी की आवाज पर कल होगी कांग्रेस की अहम बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। प्रदेश सरकार को होश नहीं कि कब क्या कह रही है, बोले बृजमोहन अग्रवाल। विशेष कोर्ट में पेश हुई बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कोरोना की तीसरी लहर दिसंबर में आने की आशंका, डॉक्टर्स ने चेताया। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने पर कांग्रेस नेताओं का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, बीजेपी ने साधा निशाना। इंडियन कंपनी ग्रेटर इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किए 4 ई-स्कूटर, सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। सीबीआई ने एक और 9 सैन्य अधिकारी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, जांच जारी। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना, पूर्वी और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है तापमान। इंदौर एयरपोर्ट पर महिला यात्री गिरफ्तार, सीआईएसएफ जवानों ने जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। लोकतंत्र पर चर्चा को लेकर अमेरिका ने ताइवान को बुलाया तो भड़का चीन, कहा यूएस को होगा भारी नुकसान। मुख्यमंत्री भूपेश ने किया थिंग बी के नए कार्यालय का शुभारंभ, स्मार्ट क्लासरूम और लैब का किया अवलोकन। बालासोर में शादी में बजा डीजे, हार्ट अटैक से मर गए 63 मुर्गियां, मालिक ने मांगा मुआवजा, मामला पहुंचा थाने। दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने से चिंता में मोदी सरकार, 13 राज्यों को लिखी चिट्ठी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया नकली नोट के रैकेट का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद। कैप्टन बोले भाई को बचाने के लिए चन्नी ने की बादल से साठगांठ, सीएम बोले आप शियत भाजपा के बीच की कड़ी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।